हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल विंग्स एकेडमी। तो और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे भी होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस का पढ़ा था, उसमें परफेक्ट टेंस में आपने मेटिव पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव और इंटरगेटिव के बारे में। चलिए, निगेटिव तो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, निगेटिव जिसमें नहीं आता वो निगेटिव ही होता है। इसके बाद इंटरगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निगेटिव जैसे बात करें, हम अभी स्टार्टिंग हम निगेटिव से ही करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, तो निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है, जैसे क्या एग्जांपल लिखते हैं, तुम अपना काम नहीं किया है, तुमने अपना काम नहीं किया है। एक और लिखते हैं, वह आज आगरा नहीं जा रहा है, सॉरी नहीं गया है। एक और से, सीता अमरूद नहीं खाई है। चीजें कुछ होते हैं जिसमें कि निगेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम पढ़ रहे प्रेजेंट परफेक्ट की निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट में पहले भी इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि जो लास्ट में चुका है, चुकी है, आ ही जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब इसमें हम बात देखिए, समय में नहीं आया है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तुमने अपना काम नहीं किया है, ये भी निगेटिव है। वह आगरा नहीं गया है, ये भी निगेटिव है। और भी बहुत सारे, तो अभी सब कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चन रूल लिखवाता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। इसमें क्या सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट साथ साथ होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, इसके बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों बस इसी के बेसिस पे हमारा जो भी सेंटेंस सब बनाते हैं। तो हम बात करते हैं, तुमने अपना काम नहीं किया है, जैसे इसको कैसे ट्रांसलेट करें। मैं कल आपको बताया था कि वर्ब कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के जो यूज करते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, बट एक तीन फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के। तो हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको मैं कल बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, किसी का होता है कुछ, इसमें आपको मीनिंग भी लिखा गया था। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, तुमने अपना काम नहीं किया है, तुमने इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किस तरीके में है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमने तुमने का क्या होता है। इसके बाद क्या है, हैज लगेगा, हैव नॉट, तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मे वर्ब, इसमें क्या है, करना, करने का क्या होता है, करने का होता है डू, डू, डस, डन, तीन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो डन होता है, डन, अपना काम, योर वर्क, योर वर्क। इसके बाद क्या है, वह आज आगरा नहीं गया है, इसमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे होगा, ही। इसके बाद सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल साथ एन लगाएंगे। इसके बाद नॉट, इसके बाद तुरंत बाद का थर्ड फॉर्म, बाद का थर्ड कैसे, आगरा जा रहे, गया, जाने क्या होता है, दो वो बैंक गॉन, तीनों फॉर्म होते हैं, यहाँ पे जाएगा गॉन टू आगरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सीता अमरुद नहीं खाई है, तो सीता क्या है, सीता सिंगल है, सीता। इसके बाद हैज वर्ब नॉट, इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होता है, खाने का होता है, ईट, इटेन, इटेन, ईट, ईट, इटेन, ईट, एट, इटेन, सॉरी, ईट, एट, इटे, ये तीनों फॉर्म होते हैं। तो हम इसको थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईट, एट, इटे, तो इटे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अमरूद, गुआवा, गुआवा। तो एक कुछ तीन चार्ज का आपने देखा सेंटेंसेस। अब आगे हम चलते हैं, इसमें आपको दो, इसमें आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, कुछ आपको करना है इसी रूल्स के बेसिस पे।
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखेंगे तभी समझ आएगा। तो आगे चलते हैं, कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क देने से पहले भी हम एक बार इंटरग्रेटिव पढ़ लेते हैं, इंटरग्रेटिव के बारे में। तो इंटरग्रेटिव साइंस से जानने क्या होते हैं कि हमारे क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। इंटरग्रेटिव का मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन का राइज करते हैं। इंटरग्रेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इंटरग्रेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं ऐसा बताता हूं। जब कोई वाक्य या कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, तो कुछ ऐसे कि मैं एग्जाम्पल ले दे रहा हूं, क्या रोहन रोहन आम खाया है, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। सेकंड क्या है, वह आज समाचार पढ़ा है। तो ये जो है क्या वह आज समाचार पढ़ा है, तो ये जो है स्टार्टिंग में इसमें क्या आ जाता है। स्टार्टिंग से ऐसे ही होता है, क्या कैसे स्टार्ट होते हैं, जिसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम इसे हैज या हैव यूज करते हैं, हैप्पी वर्क की बात करते हैं। प्लस द सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो एक नोट लिखना है कि निगेटिव सेंटेंस रहने पर ही नॉट का यूज करें, अन्यथा नहीं करें। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जब क्या सेंस के लिए रूल है, अब इसमें क्या लगाते हैं, अब इसमें जैसे क्या रोहन आम खाया है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैस है। अब हैज है कौन डिसाइड करता है, हमारा सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट किसमें क्या है, रोहन, रोहन क्या हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आपको डिसाइड करना है कि हम हैज लगाएंगे, हैज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे हमारा रोहन, रोहन। इसके बाद आगे देखते हैं नॉट है, क्या नेगेटिव सेंटेंसेस है, क्या रोहन आम नहीं खाया, ऐसा कुछ चला नहीं। तो क्या रोहन आम, निगेटिव नेगेटिव नॉट मींस के बाद का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटे, ईट का होता है थर्ड फॉर्म, इटे। क्या ऑब्जेक्ट है, मैंगो। मैंगो और एक क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, वह आज समाचार पढ़ा है। अब सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, हैश है, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, सिंगुलर सब कह रहे हैं हैश लगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन नॉट यूज करेंगे तो बाद का फर्क फर्क कर पाना पड़ना कहते हैं। रीड 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 जो है तीनों फॉर्म होता है, रीड न्यूज पेपर, ऑब्जेक्ट क्या, न्यूज पेपर टुडे। ये हमारा इस तरीके से हम जब क्या से शब्द है उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और दूसरा जिसका इंटरग्रेटिंग रूल्स होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। तो अब इसमें जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए,
बीच में आए तो जब इंट्रोगेटिव वर्ब स्पीच पैदा तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए रूल्स होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देते हैं एग्जाम्पल में, आज रोहन, आज रोहन क्या खाया क्वेश्चन मार्क। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तुम अपने घर क्यों नहीं गए हो, तो इसका भी कुछ सर्कल रूल्स होता है। जैसे कि हम उसकी बात करें तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड इस तरह बनाते हैं, इसके बाद हमारा हैज या फिर है, इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव वर्ड्स होता है इसमें सर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट होता है इसमें नॉट का वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसलिए भी नोट लिखना है नॉट का यूज तभी करें जब सेंटेंस निगेटिव रहे। तो अब इसको हम कैसे यूज किया है, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, क्यों है, क्या है, तो अब इसको कैसे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या है, तो क्या क्लियर है व्हाट, इसके बाद क्या है ऐसा है तो ऊपर सब्जेक्ट सिंगुलर से सब क्या है हैज लगाएंगे व्हाट हैज, इसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे रोहन। अब जो हमारा इसमें नेगेटिव है तो नॉट नहीं यूज करेंगे, तो बात का थर्ड खाना खाने का था इटेन टुडे क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी इंटरप्रिटेटिव वर्ड्स इसमें क्या है क्यों आया है तो वाई, इसके बाद कैसे है पूरा सब्जेक्ट कैसे है लग जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट किसमें है तुम यूजर, अच्छा इसमें जो है जो कोई डिसाइड करता है हमेशा सब्जेक्ट डिसाइड करता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज, अगर प्लूरल हुआ तो है। तो आगे चलते हैं व्हाई हैव यू, अब इसके बाद क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट क्या होता है गॉन, गो होता है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गॉन, टू योर होम क्वेश्चन तो इस तरीके से क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों हम लोग सब्जेक्ट टेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको कुछ होमवर्क देना है जिसमें आपको ट्रांसलेट करके भेजना है देखना है और आपको भी ट्राई करना है कि इसमें क्या क्वेश्चन बन जा रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे आपसे, बस आपका पढ़ने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों पार्ट्स कैसे सर मिक्स क्वेश्चन है, तुमने तुमने केला खाया है, केला नहीं खाया है, क्या महेश, क्या
क्या महेश लखनऊ से नहीं आया है? और क्या है? मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। फोर्स क्या है? क्या नौकर आ गया है? इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राम तुम्हें पुस्तक क्यों नहीं दिया है? पुस्तक क्यों नहीं दिया है? इसके बाद छठा है, धोती नहीं आया है, नहीं आया है। इसके बाद सेवन क्वेश्चन है, क्या तुम अपना पाठ याद किए हो? तो ये हमारे कुछ सोचते हैं आपसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव से दोनों का कम्बिनेशन है, और आपको इन दोनों को मिला करके आपको समझ करके इसमें समझना है कि कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा किस टाइप से इंट्रोगेटिव है, और कौन सा नेगेटिव इसको ट्रांसलेट चेंजिंग करना है। जैसे उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका आपका सभी मीनिंग आपको पता होगा, आना लिखना, आना का, गया का, दिया, सबका पता होगा, आया का, कि ये सब सबका पता है। कोई मीनिंग आपको उसमें पूछना है तो ऐसे नहीं है। यदि आपको हो तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या कुछ कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।